सो ये वाला लुक क्रिएट करेंगे हम लोग। शेड जो भी मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट से, वो मैं आपको वीडियो में दिखाती जाऊँगी, एज अ क्लिप मैंने ऐड कर दिया है। धीरे धीरे हम आई शेडो का जो कलर है वो बिल्डअप करेंगे। बहुत पेशेंस चाहिए अगर हमको अच्छा आई शेडो क्रिएट करना है। अभी मैं ले रही हूँ डार्क कलर, पहले मैंने लिया था लाइटर शेड। डार्क कलर के साथ थोड़ा सा उसका बेस में स्ट्रॉन्ग करूँगी। फिर मैंने एक पर्पल शेड लिया है, बिकॉज़ जब मैं अपनी क्रीज़ को कट करूँगी देन उसका जो बहुत अच्छा सा शेडो इफेक्ट चाहिए मुझको, वो डार्क कलर से ही आएगा। उसको मैंने लेकर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैं कट क्रीज करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। कवर गर्ल का मैंने कंसीलर लिया है इन दी शेड फेयर, और उसके साथ मैं आराम से कट क्रीज कर रही हूँ। और कट क्रीज करने के बाद उसी कंसीलर के प्रोडक्ट को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। मुझे जो आई शेडो पैक करना है उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जो ब्लेंडिंग करनी है वो मैं जो रिमेनिंग प्रोडक्ट था मेरे पर्पल ब्रश का उसी ब्रश को लेके मैं इसके आउटर वी पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि जो उसके एजेस हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इवन जो मैंने कट क्रीज करी है वो थोड़ी सी हाफ कट क्रीज ही लगे, और वो अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन मैंने पिंक शेड भी लिया है, जो डार्क पिंक कलर था उसके साथ मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आराम से आपको करना है। देन ऑरेंज कलर लेके उसको मैं पैक कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे ग्लिटर्स के लिए वो बेस बन जाएगा, और ऑरेंज कलर और पिंक का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगेगा आईज पे, ये मैंने नहीं सोचा था। आपको पता है ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने डोरा की ड्रेस से लिया है, जो भी उसने ड्रेस पहनी होती है कार्टून में। जस्ट टू मेक इट अ फन मैंने वो थीम उठाई है। जो आउटर कॉर्नर्स हैं उसको मैं ऑरेंज कलर के साथ ही ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज़ मुझे कोई भी हार्श लाइंस नहीं चाहिए। और अच्छे से आप ब्लेंड करो। और अभी मैं निक्स की ग्लिटर ग्लू लेके थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके उसको एक जो मिनी फ्लैट ब्रश आप कह सकते हो, या फिर छोटा फ्लैट ब्रश है जिससे मैं अपने ग्लिटर अप्लाई करूँगी, उसके साथ ही उसको उस पर डैप डैप करके अप्लाई करूँगी। अगर मैं जैसे ग्लाइड करूँगी तो मेरा आई शेडो रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर मैं डैप डैप करूँगी तो मेरा आई शेडो भी वहीं पर रहेगा। और मेरे ग्लिटर्स जो चंकी ग्लिटर्स रहते हैं उनके लिए ग्लू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ जो आई लैश वाली ग्लू होती है वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आराम से ग्लिटर लगाइए। अगर थोड़े बहुत आपकी स्किन पे भी लग जाए और आप वरी मत कीजिए, बिकॉज़ ग्लिटर्स आराम से रिमूव हो जाते हैं बाद में। अपना बेस आप हमेशा बाद में करो, पहले आप आई शेडो कर लो। उससे क्या होता है, कोई भी ग्लिटर आप रिमूव करते हो तो आपका बेस ख़राब नहीं होता। आराम से जितने ग्लिटर आपको चाहिए आप लगाइए। जहाँ पे आईलाइनर लगना है ना वहाँ पे मैं ग्लिटर कभी नहीं लगाती, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। उस एरिया को छोड़ कर ही मैं ग्लिटर्स लगाती हूँ। देन मैंने यहाँ पे निक्स का आईलाइनर लिया है। आईलाइनर का वीडियो मैं शूट करना भूल गई, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे मैं काजल की जगह आईलाइनर लगा रही हूँ, बिकॉज मैनीक्विन पे लोअर आई शेडो का जो मेकअप है ना वो अच्छे से नहीं होता है। मुझे आईलाइनर से करना पड़ा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अरेबिक जो आई लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ब्राउन आई शेडो लेके उसको मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया लोअर आई शेडो थोड़ा सा कम लगता है इस पे मैनिक्विन पे, बट असली आईज पे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। आप ट्राई करके देखना और मुझे बताना अगर आपने ट्राई करा है तो। यू कैन टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ मैंशन बिलो। एंड ये लुक बहुत अमेजिंग लग रहा था रियल लाइफ में, रियलिटी में बहुत अच्छा लुक निकल के आया है इसका। आई लैशेज अच्छे से मैं लगा रही हूँ इस पे आराम से। 30 सेकेंड आई लैश को आप ग्लू लगा के रखिए, देन बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास ऑरेंज साड़ी है ना आप उसके साथ भी कर सकते हो, और पर्पल या पिंक के साथ डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस।